swayam prabha digital india educated india namaskar मैं श्रेष्ठ एक बार फिर से आप सभी का इस लेक्चर सीरीज में स्वागत करता हूँ हम लोगों ने लास्ट के लेक्चर्स में क्लासेस में प्रयोग के विषय में काफ़ी जानकारी एकत्र की प्रयोग के बारे में हमने ये जाना कि प्रयोग एक ऐसा मेथड है जो हमें साइंटिफिक जो नॉलेज है उसे ज्ञात करने में उसके बारे में जानकारी एकत्र करने में हमारी मदद करता है और हमारे प्रयोग हमारे सब स सब्जेक्ट को ये जानकारी देता है कि किस प्रकार हम लोग अपनी रिसर्च को आगे बढ़ा सकते हैं किस प्रकार के अनुसंधान हम लोग कर सकते हैं तो प्रयोग और प्रयोगात्मक अभिकल्प एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन किसी भी साइंटिफिक रिसर्च के लिए बैकबोन की तरह है यदि उस सब्जेक्ट को साइंटिफिक टेम्परामेंट में आगे एक्सेल करना है और ज्ञान अर्जित करना है तो उसके लिए आवश्यक है कि वो इस तरह की रिसर्च में इन्वॉल्व हो जहाँ पर एक्सपेरिमेंट एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन और रिलायबल और वैलिड रिज़ल्ट आने की पूरी संभावना हो हम यहाँ पर उन्हीं विधियों के बारे में अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए आज एक और एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे लास्ट की क्लास में हम लोगों ने बिटवीन ग्रुप डिज़ाइन के बारे में चर्चा की और जाना कि किस प्रकार हम लोग बिटवीन ग्रुप डिज़ाइन के फंक्शंस और करेक्टर को यूज़ करके अपने एक्सपेरिमेंट के लिए डिज़ाइन डेवलप कर सकते हैं बिटवीन ग्रुप डिज़ाइन में हमने देखा कि यदि हमारे पास दो कंडीशंस हों या दो से ज़्यादा कंडीशंस हों और उन कंडीशंस में हम लोग अपने सैम्पल से इंडिपेंडेंट पार्टिसिपेंट को सेलेक्ट करें और उसके बाद जब उन कंडीशंस को उन ग्रुप्स के अंतर को सार्थकता पे जांचे तो हम इसे बिटवीन ग्रुप डिज़ाइन कहते हैं आज हम लोग बिटवीन ग्रुप डिज़ाइन से नेक्स्ट डिज़ाइन विद इन ग्रुप डिज़ाइन के बारे में चर्चा करेंगे तो जैसा कि बिटवीन ग्रुप डिज़ाइन में हम लोग कंपैरिजन करते थे दो इंडिपेंडेंट ग्रुप्स का या दो से ज़्यादा इंडिपेंडेंट ग्रुप्स का तो विद इन ग्रुप डिज़ाइन में हम लोग किसका कंपैरिज़न करेंगे क्या उस ग्रुप में जो व्यक्ति हैं उनका आपस में कंपैरिज़न करेंगे हम लोग किस प्रकार से विधिन ग्रुप डिज़ाइन को यूज़ करते हुए अपनी रिसर्च की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक्सपेरिमेंट डिज़ाइन कर सकते हैं विद ग्रुप डिज़ाइन का अर्थ क्या है उसके फंक्शंस क्या हैं उसकी स्ट्रेंथ क्या है लिमिटेशन क्या, क्या है, और कुछ तरह के डिज़ाइन डेवलप कर कर उदाहरण के रूप में उन्हें समझकर हम लोग विद इन ग्रुप डिज़ाइन की इस चर्चा को आज कंप्लीट करेंगे तो विद इन ग्रुप डिज़ाइन जैसा बिटवीन ग्रुप डिज़ाइन में नाम से ही क्लियर था कि बिटवीन ग्रुप्स के बीच में जो अंतर हमें मिल रहा है हम उसकी सार्थकता की जांच करेंगे यहाँ पर हम लोग कह रहे हैं विद इन सब्जेक्ट विद इन सब्जेक्ट का अर्थ है कि जो हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं उन पार्टिसिपेंट का डिफरेंट डिफरेंट ट्रीटमेंट कंडीशंस में जो हमें डेटा मिलेगा उनका हम लोग उस डेटा के थ्रू एनालिसिस करेंगे और जानेंगे कि क्या उन ट्रीटमेंट कंडीशंस में कोई डिफरेंस है या नहीं है बिटवीन ग्रुप और विद इन ग्रुप में जो मेजर डिफरेंस है वो यही है कि जो पार्टिसिपेंट का अलोकेशन है उसका मेथड दोनों में कंप्लीटली डिफरेंट है बिटवीन ग्रुप में हमारे पास एक पार्टिसिपेंट को यदि किसी एक ग्रुप में प्लेस कर दिया गया तो दूसरे ग्रुप में आने की संभावना नहीं है लेकिन विद इन सब्जेक्ट में हम लोग एक ही पार्टिसिपेंट का डिफरेंट डिफरेंट ट्रीटमेंट कंडीशंस में डेटा कलेक्ट करते हैं और उसके बाद ये जानने का प्रयास करते हैं कि क्या इन ट्रीटमेंट कंडीशंस का कोई सिग्निफिकेंट इफ़ेक्ट है या नहीं तो इस सामान्य चर्चा को अब हम लोग आगे बढ़ाते हुए विद इन ग्रुप डिज़ाइन के बारे में डिस्कशन कंटिन्यू करते हैं विद इन सब्जेक्ट या विद इन ग्रुप डिज़ाइन को हम लोग रिपीटेड मेजर डिज़ाइन भी कहते हैं क्योंकि यहाँ पर एक पार्टिसिपेंट को रिपीटेडली डिफरेंट डिफरेंट ट्रीटमेंट कंडीशंस में पार्टिसिपेट करना पड़ता है और उसका डेटा उन डिफरेंट डिफरेंट ट्रीटमेंट कंडीशंस पर कलेक्ट किया जाता है तो चूंकि एक पार्टिसिपेंट रिपीट हो रहा है डिफरेंट डिफरेंट ट्रीटमेंट कंडीशन में तो इसे हम लोग रिपीटेड मेज़र डिज़ाइन भी कहते हैं जैसा अभी हम लोग चर्चा कर ही रहे हैं कि इसमें एक ही पार्टिसिपेंट का ग्रुप होगा जबकि बिटवीन ग्रुप में हमारे पास उतने पार्टिसिपेंट का ग्रुप था जितनी या तो ट्रीटमेंट कंडीशंस थी या इंडिपेंडेंट वेरिएबल का स्तर थे लेवल्स थे लेकिन यहाँ पर एक प्रतिभागी ग्रुप एक ही ग्रुप होगा क्या क्या अर्थ हुआ कि ये जो एक ही ग्रुप है अब इसी का डेटा हम इसी पर हम लोग डिफरेंट डिफरेंट ट्रीटमेंट कंडीशन पर डेटा कलेक्ट करेंगे तो इसे अब हम लोग एक एग्जाम्पल से समझने का प्रयास करते हैं तो जैसे अगर हमारे पास तीन ट्रीटमेंट कंडीशन है तो बिटवीन ग्रुप में हम लोग किस तरीके से डिजाइन करते थे कि अपने सैंपल से रैंडम असाइनमेंट के थ्रू ट्रीटमेंट वन ट्रीटमेंट टू और ट्रीटमेंट थ्री के लिए पार्टिसिपेंट सेलेक्ट करते थे और ये पार्टिसिपेंट्स आपस में एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होते थे जो पार्टिसिपेंट एक ग्रुप में है वो दूसरे में अब नहीं होगा लेकिन इस डिज़ाइन में हम लोग एक पहले ग्रुप लेंगे हमारा सैम्पल का ग्रुप वो टोटल पार्टिसिपेंट्स जिन पर हमें अपना एक्सपेरिमेंट रन करना है अपना डेटा कलेक्ट करना है अब ये पूरा ग्रुप अगर मैं इसे सैंपल या एक ग्रुप कहूँ तो ये पूरा ग्रुप मेरी ट्रीटमेंट कंडीशन वन ट्रीटमेंट कंडीशन टू और ट्रीटमेंट कंडीशन थ्री में पार्टिसिपेंट करेगा तो यहाँ पर पार्टिसिपेट का एलोकेशन किस प्रकार का होगा जो P1 है ट्रीटमेंट वन में वो P1 वन ट्रीटमेंट टू में भी अवेलेबल होगा और वो ट्रीटमेंट थ्री की कंडीशन में भी अवेलेबल होगा P1, 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 पार्टिसिपेंट वन पार्टिसिपेंट वन पार्टिसिपेंट वन तो एक पार्टिसिपेंट जितनी भी पॉसिबल ट्रीटमेंट कंडीशंस ट्रीटमेंट कॉम्बिनेशंस या इंडिपेंडेंट वेरिएबल के लेवल्स अवेलेबल होंगे उन सभी में पार्टिसिपेट करेगा अर्थात हमारे रिसर्च में हमारे प्रयोग में हमारे डेटा कलेक्शन में हेल्प करेगा इसके बाद नेक्स्ट जो स्ट्रिक है वो है स्वतंत्र चर के स्तर अर्थात इंडिपेंडेंट वेरिएबल के लेवल्स तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल के लेवल्स का क्या अर्थ है कि क्या ये दो होंगे क्या ये तीन होंगे ये दो तीन या उससे भी अधिक हो सकते हैं इसका निर्धारण किस बात पर होगा इसका निर्धारण होगा इंडिपेंडेंट वेरिएबल की नेचर हमारी रिसर्च के ऑब्जेक्टिव और हमारे रिसोर्सेज जिस प्रकार की हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल की नेचर होगी जिस प्रकार का हमारी रिसर्च का ऑब्जेक्टिव होगा और जितने हमारे पास अवेलेबल रिसोर्सिस होंगे उनके अकॉर्डिंगली हम लोग अपने इंडिपेंडेंट वेरिएबल के लेवल्स या ट्रीटमेंट कंडीशंस को मैनिपुलेट करते हैं इसके बाद नेक्स्ट कंडीशन है एक से अधिक इंडिपेंडेंट वेरिएबल जिस प्रकार से बिटवीन ग्रुप डिज़ाइन में हम लोग एक साथ एक से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स पर डेटा कलेक्ट कर सकते हैं उन पर डेटा एनालिसिस कर सकते हैं उसी प्रकार हम लोग विद इन सब्जेक्ट डिज़ाइन की कंडीशन में भी दो या दो से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को कंसीडर कर सकते हैं अपने एक ही डिज़ाइन में तो उस कंडीशन में हम लोगों का डिज़ाइन किस प्रकार का होगा ये हम लोग आगे इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे एक एग्जाम्पल के साथ तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और विद इन सब्जेक्ट डिज़ाइन की जो और बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनके बारे में डिस्कशन कंटिन्यू करते हैं तो विद इन सब्जेक्ट डिज़ाइन की जो नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है वो है दो या दो से ज़्यादा ट्रीटमेंट अवस्थाएं या स्वतंत्रता स्वतंत्र चर के स्तर इंडिपेंडेंट वेरिएबल तो हम लोग अपने इंडिपेंडेंट वेरिएबल में दो या दो से ज़्यादा लेवल्स रख सकते हैं हमारी ट्रीटमेंट कंडीशन दो या दो से ज़्यादा हो सकती हैं लेकिन इनका निर्धारण करते समय हमें कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों का ध्यान रखना होता है जैसे यदि हम लोग ट्रीटमेंट वन और ट्रीटमेंट टू तथा ट्रीटमेंट थ्री अपने ट्रीटमेंट को इन तीन कंडीशंस में डिस्ट्रीब्यूट करें तो हम लोगों को पहले से ही प्रैक्टिकली थेटिकली ये इंश्योर करना होगा कि ट्रीटमेंट वन की कंडीशन ट्रीटमेंट टू की कंडीशन से डिफरेंट हो यदि ट्रीटमेंट वन की कंडीशन और ट्रीटमेंट टू की कंडीशन में नोटेबल डिफरेंस मतलब ऐसा डिफरेंस ना हो जिसे आसानी से जाना समझा या परखा जा सके तो हमारी एक ट्रीटमेंट कंडीशंस के बीच में डिफरेंस सिग्निफिकेंट आने की संभावना ना के बराबर होगी तो हम लोग विद इन सब्जेक्ट डिज़ाइन में चूँकि यहाँ पर हमारे पास जो ग्रुप्स हैं वो डिफ़रेंट नहीं होंगे हमारा एक ही पार्टिसिपेंट ट्रीटमेंट वन ट्रीटमेंट टू और ट्रीटमेंट थ्री में पार्टिसिपेट करेगा तो इस कंडीशन में हम लोगों को बहुत ही सावधानीपूर्वक अपने इंडिपेंडेंट वेरिएबल के स्तर या अपनी कंडीशंस के स्तर को मैनिपुलेट करना चाहिए ताकि हम लोग ये इंश्योर कर सकें कि इन ट्रीटमेंट कंडीशंस की वजह से ही हमारे डिपेंडेंट वेरिएबल पर प्रभाव पड़ रहा है ऐसा ना हो दो या दो से ज़्यादा ट्रीटमेंट कंडीशंस एक जैसा नेचर रखती हों एक जैसा रिज़ल्ट दें और कोई एक कंडीशन उनसे बिल्कुल अपोजिट हो बिल्कुल डिफरेंट हो तो इस कंडीशन में जो मुझे रिज़ल्ट मिलेगा वो काफ़ी डिस्टॉर्टेड होगा और उस रिज़ल्ट को इंटरप्रेट करते समय मुझे काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा यदि मैं इन ट्रीटमेंट कंडीशंस को डिस्टिंग्विश डिफरेंट करने में असफल रहा तो मेरे एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट मुझे कोई जानकारी नहीं दे पाएगा ट्रीटमेंट कंडीशंस में डिफरेंस अवेलेबल नहीं हो पाएगा तो मेरे एक्सपेरिमेंट का जो रिसर्च क्वेश्चन है वो अन आंसर्ड ही रह जाएगा और हो सकता है जिस रियलिटी को मैं अपने एक्सपेरिमेंट के माध्यम से टैप करना चाह रहा था जानना चाह रहा था वो मेरी इस एक्सपेरिमेंटल एरर की वजह से मैं होते हुए भी ना जान पाऊँ रियलिटी में वो डिफरेंस हो लेकिन मैं अपने रिसर्च के माध्यम से उसे प्रूव ना कर पाऊँ तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि पार्टिसिपेंट सभी ट्रीटमेंट कंडीशंस में पार्ट लेंगे जैसा हम लोगों ने इस डिस्कशन के शुरुआत में ही कहा कि जो पार्टिसिपेंट होंगे वो सभी कंडीशंस में पार्टिसिपेंट करेंगे। यदि कोई पार्टिसिपेंट किसी कंडीशन में पार्टिसिपेट करने में फेल हो जाता है तो उस कंडीशन में मुझे उस पार्टिसिपेंट के डेटा को इग्नोर करना होगा या अपने डेटा सेट से रिमूव करना होगा क्योंकि किसी भी एक परिस्थिति में हम उस पार्टिसिपेंट के स्कोर को ज़ीरो नहीं रख पाएंगे तो क्योंकि उस कंडीशन में उस पार्टिसिपेंट का डेटा हमारे पास नहीं है तो कुछ कंडीशंस में तो हम लोग कुछ स्टेटिस्टिकल मेथड्स के थ्रू कुछ अपने डेटा को समझने का प्रयास कर पाते हैं लेकिन अधिकतर चांसेस में हम लोग उस डेटा को रिमूव कर देते हैं क्योंकि तीनों कंडीशंस में हमारे पास सेम पार्टिसिपेंट का डेटा नहीं है हम किसी और पार्टिसिपेंट के डेटा से उस डेटा को रिप्लेस नहीं कर सकते ऐसा नहीं है कि मैं थर्ड कंडीशन में किसी और पार्टिसिपेंट से डेटा कलेक्ट करा लूं और कहूं कि आगे की कंडीशन में तो इसी पार्टिसिपेंट का ही डेटा है सभी कंडीशन में सेम पार्टिसिपेंट का डेटा एसेंशियल है विद इन सब्जेक्ट या विद इन ग्रुप डिज़ाइन के लिए अब इंडिविजुअल डिफरेंसेस विद इन ग्रुप और विद इन सब्जेक्ट डिज़ाइन की ये एक सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है कि यहाँ पर हम लोग इंडिविजुअल डिफरेंसेस के जो इफ़ेक्ट्स हैं उन्हें मिनिमाइज़ कर सकते हैं हम लोगों ने बिटवीन ग्रुप में क्या समझा कि चूंकि दो या दो से ज़्यादा जो इंडिपेंडेंट ग्रुप्स हैं उनमें इंडिपेंडेंट पार्टिसिपेंट हैं तो चूंकि वो इंडिपेंडेंट पार्टिसिपेंट्स हैं तो उनकी इंडिपेंडेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी इंडिपेंडेंट पर्सनैलिटी होगी तो उसका प्रभाव हमारे डिपेंडेंट वेरिएबल के एनालिसिस पर पड़ेगा और उससे हमारा रिजल्ट डिस्टॉर्टेड होगा हमारी इंटरप्रिटेशन हो सकता है काफ़ी हद तक डिस्टॉर्टेड हो जाए लेकिन विद इन ग्रुप डिज़ाइन में ये पॉसिबिलिटी नहीं है ऐसा क्यों हो रहा है क्योंकि हम लोग सभी ट्रीटमेंट कंडीशंस में एक ही पार्टिसिपेट का डेटा कलेक्ट कर रहे हैं तो ट्रीटमेंट वन और ट्रीटमेंट टू या ट्रीटमेंट टू और ट्रीटमेंट थ्री या ट्रीटमेंट वन और ट्रीटमेंट थ्री के बीच में कोई इंडिविजुअल डिफरेंसेस की पॉसिबिलिटी नहीं होगी एक ही व्यक्ति है तो उसके जो पर्सनैलिटीज कॉग्निशन जो अटेंशन जो मोटिवेशन इमोशन उसके होंगे वो तीनों कैटेगरीज में तीनों ट्रीटमेंट कंडीशंस में सेम होंगे तो यहां पर हम लोग काफी हद तक इंडिविजुअल डिफरेंसेस के प्रोबेबिलिटी को मिनिमाइज कर पाते हैं अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि जो विदिन सब्जेक्ट डिज़ाइन है रिपीटेड मेजर डिज़ाइन है इसका हम लोग लॉन्गनीटूडनल और डेवलपमेंटल स्टडीज़ में बहुत ज़्यादा उपयोग देख पाते हैं तो जब आप लोग डेवलपमेंटल साइकोलॉजी की स्टडीज़ देखते हैं या कोई ऐसी स्टडी देखते हैं जिसमें समय टाइम एक महत्वपूर्ण फैक्टर है और हम उस टाइम के प्रोग्रेस से होने वाले जो हमारे डिपेंडेंट वेरिएबल पर प्रभाव हैं उसे मेज़र करना चाहते हैं तो उस कंडीशन में हम लोग टाइम को एक वेरिएबल कंसीडर करते हुए विद इन ग्रुप डिज़ाइन के माध्यम से एक डिज़ाइन डेवलप कर सकते हैं लेकिन यहाँ पर हमें एक चीज़ नहीं भूलनी चाहिए वो है हमारे पार्टिसिपेंट्स जब किसी एक ही पार्टिसिपेंट को हम लोग डिफरेंट डिफरेंट ट्रीटमेंट कंडीशंस में रखते हैं उसका डिफरेंट डिफरेंट ट्रीटमेंट कंडीशंस में डेटा कलेक्ट करते हैं तो उसके लिए ये काम थोड़ा लेंदी हो जाता है बिटवीन ग्रुप डिज़ाइन में एक पार्टिसिपेट को एक ग्रुप में आकर अपना एक्सपेरिमेंट करना है अपना डेटा देना है और उसके बाद वो फ्री हो गया लेकिन यहाँ मेरे हर पार्टिसिपेंट को हर ट्रीटमेंट कंडीशन में हर बार आना है एक्सपेरिमेंट करना है डेटा देना है और मुझे एक फ्लो में एक सिस्टमेटिक वे में उसे ट्रीट करते हुए अपने एक्सपेरिमेंट को रन करना है तो ये कंडीशन थोड़ी लेंदी होती है किसके लिए स्पेसिफिकली पार्टिसिपेंट के परस्पेक्टिव के लिए एक्सपेरिमेंटर का तो टास्क है वो बिटवीन ग्रुप में भी वो कंप्लीट करेगा विद इन ग्रुप में भी कंप्लीट करेगा लेकिन एज ए पार्टिसिपेंट यहाँ पर बहुत चांसेस होते हैं कि जो पार्टिसिपेंट हैं वो ट्रीटमेंट कंडीशंस बढ़ने के साथ साथ आगे उनका डेटा हमें अवेलेबल ना हो पाए या वो उस स्टडी को बीच में छोड़ दें और हम लोग चूँकि अपने एथिकल रिसर्च और एथिकल पॉइंट ऑफ व्यू जो रिसर्च का है उसके कारण किसी भी पार्टिसिपेंट को बाय फोर्स डेटा कलेक्ट करने के लिए नहीं कह सकते पार्टिसिपेंट का ये कंसेंट होना चाहिए कि वो उस एक्सपेरिमेंट या रिसर्च का पार्ट बनना चाहता है लेकिन जब बहुत लंबा या बहुत लेंदी टास्क होते हैं बार बार उसको आना होता है तो उस कंडीशन में पार्टिसिपेंट का रेगुलर रहना उनके मोटिवेशन को बनाए रखना उस रिसर्च में ये हमारे एक्सपेरिमेंटर का ही टास्क है तो अभी हम लोगों ने अपने विद इन ग्रुप डिज़ाइन के बारे में कुछ जानकारी इकट्ठा की देखा कि इसका अर्थ क्या है इसमें हम लोग अपने पार्टिसिपेंट को डिफरेंट डिफरेंट ट्रीटमेंट कंडीशंस में किस तरीके से अलोकेट करते हैं अब हम लोग विद इन सब्जेक्ट डिज़ाइन के बारे में और जानेंगे एक ग्राफ बनाकर एक डायग्राम बनाकर और उस डायग्राम के माध्यम से हम लोग विद इन सब्जेक्ट डिज़ाइन के पूरे प्रोसेस को समझने का प्रयास करेंगे तो जैसा हम लोगों ने बिटवीन ग्रुप डिज़ाइन में देखा था कि हमारा डिज़ाइन किस कंसिडरेशन से शुरू हुआ था पॉपुलेशन तो यहाँ पर भी अगर मैं ग्रा ग्राफिकली प्रजेंट करूँगा तो विद इन सब्जेक्ट डिज़ाइन भी हमारी पॉपुलेशन से शुरू होगा अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा रिसर्च में या हमारे डिज़ाइन में हमारी पॉपुलेशन से हमारे सैम्पल को सेलेक्ट करना तो पॉपुलेशन है अब मेरे पास सैम्पल है अब मेरे पास अब बिटवीन ग्रुप में मैंने क्या किया था इस सैम्पल से हमने कुछ ग्रुप्स इंडिपेंडेंट ग्रुप्स में पार्टिसिपेंट्स को प्लेस कर दिया था लेकिन यहाँ पर हम लोग इस तरह से प्लेस नहीं कर पाएंगे यहाँ पर हमें क्या करना होगा कि जो हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं हमारी टोटल स्टडी में ये पार्टिसिपेंट मुझे मेरे इंडिपेंडेंट वेरिएबल के डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स या मेरी ट्रीटमेंट कंडीशंस पर मुझे डेटा कलेक्ट करने में हेल्प करेंगे तो वो कहाँ कहाँ पार्ट करेंगे जैसे यदि दो कंडीशंस हैं कंडीशन ए कंडीशन बी तो इस कंडीशन में अब पहले में कंडीशन ए पे डेटा कलेक्ट करूंगा अपने पार्टिसिपेंट को कंडीशन ए का एक्सपोज़र दूंगा फिर डेटा कलेक्ट होगा उसके बाद कंडीशन टू इम्प्लीमेंट होगी उसका एक्सपोज़र होगा और उसके बाद फिर डेटा कलेक्ट होगा अगर ये कंडीशंस बढ़ती जाएंगी तो मेरे पार्टिसिपेंट को इन कंडीशंस के अकॉर्डिंगली आना होगा और उस एक्सपेरिमेंट में पार्टिसिपेट करना होगा तो ये मेरा सैंपल कंडीशन ए में भी रहेगा सेम और यही सैंपल मेरा कंडीशन बी में रहेगा सेम और यही सैंपल मेरा कंडीशन सी में भी होगा सिंपली अगर पार्टिसिपेंट कंडीशन ए में होगा तो वही सेम पार्टिसिपेंट कंडीशन बी में भी होगा और वही पार्टिसिपेंट कंडीशन सी में भी होगा तो इस ग्राफ के माध्यम से इस डायग्राम के माध्यम से हम लोग बिटवीन सब विद इन सब्जेक्ट डिज़ाइन को प्रजेंट कर सकते हैं और आसानी से विद इन सब्जेक्ट डिज़ाइन का जो फंक्शनिंग है उसे समझ सकते हैं और दूसरों को समझा सकते हैं तो अब हम लोग जब विद इन सब्जेक्ट डिज़ाइन के बेसिक फंक्शंस उसके मीनिंग को समझ चुके हैं तो अब हम लोग एक डिज़ाइन करके देखते हैं कि हम लोग किस प्रकार से विद इन सब्जेक्ट डिज़ाइन को ड्रॉ कर सकते हैं किन किन रिसर्च प्रॉब्लम्स में किस तरह के रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स में हम लोग विद इन सब्जेक्ट डिज़ाइन डेवलप करेंगे किस प्रक्रिया से हम लोग विद इन सब्जेक्ट डिज़ाइन डेवलप करेंगे वो हम लोग आगे अब समझने का प्रयास करते हैं तो हम लोगों ने यहाँ पर सबसे पहले एक बेसिक एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन के बारे में चर्चा शुरू की है इसे हम कहते हैं प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट डिज़ाइन हालाँकि कुछ स्कॉलर्स का ये मानना है कि चूंकि प्री टेस्ट और पोस्ट टेस्ट डिज़ाइन में हम लोग ट्रीटमेंट की कंडीशन को एक ही बार एक्सपोज करते हैं अर्थात जो हमारा पार्टिसिपेंट है वो एक ही बार ट्रीटमेंट की कंडीशन को फेस करता है उससे गुजरता है उससे पहले जो हम लोगों ने डेटा कलेक्ट किया है उससे कुछ स्कॉलर्स का मानना है कि ये एक कंट्रोल कंडीशन का डेटा है क्योंकि उस कंडीशन से पहले हमारे पार्टिसिपेंट्स को उस ट्रीटमेंट के बारे में एक्सपोज़र या उसने उस एक्सपेरिमेंट में पार्टिसिपेट नहीं किया है तो हम लोग पहले प्री का डेटा कलेक्ट किए चूँकि फिर ट्रीटमेंट की कंडीशन दिए फिर उसके बाद डेटा कलेक्ट किए तो यहाँ पर हम लोग उससे विद इन सब्जेक्ट डिज़ाइन नहीं कह सकेंगे लेकिन जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि बाय नेचर बाय फंक्शनिंग और अधिकतर ये किससे रिप्रेजेंट हो रहा है किस तरह का डिज़ाइन रिफ्लेक्ट हो रहा है सेम पार्टिसिपेंट मुझे दो या दो से ज़्यादा कंडीशंस में डेटा दे रहा है तो इसकी जो समरूपता है इसकी जो सिमिलरिटी है वो विद इन सब्जेक्ट डिज़ाइन से ज़्यादा है कुछ स्कॉलर्स का ये भी मानना है कि ये प्योर एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन नहीं है वो इसे क्वाजाई एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन में रखते हैं चाहे हम लोग इसे किसी भी डिज़ाइन में रखें ये एक डिज़ाइन है और इसमें हम लोग एक ही पार्टिसिपेंट को यूज़ करते हुए अपने इंडिपेंडेंट वेरिएबल के प्रभाव को डिपेंडेंट वेरिएबल पर मेज़र कर सकते हैं और यह एक ज़्यादा लार्जर स्केल पर ज़्यादा लार्जर एक्सटेंट पर विद इन ग्रुप डिज़ाइन के सिमिलर है तो हम लोग इसे यहाँ पर विद इन सब्जेक्ट डिज़ाइन में ही पढ़ेंगे तो यहाँ जो प्री पोस्ट डिज़ाइन होता है उसकी जो बेसिक फंक्शनिंग है वो है सबसे पहले हम लोग जो हमारा डी है उसे टेस्ट करते हैं और उस कंडीशन को हम लोग कहते हैं प्री की कंडीशन तो यहाँ पर हमारे पास क्या क्या होगा सैम्पल हमारा एग्जामिनेशन और उसका डेटा डेटा अब क्या किया हमने अपने सैंपल पर पहले जो डिपेंडेंट वेरिएबल है जिसके बारे में हम लोग जानना चाहते हैं उसे एग्ज़ामिन किया उसके बाद सेकंड जो कंडीशन होगी वो होगी ट्रीटमेंट कंडीशन इंडिपेंडेंट वेरिएबल का मैनिपुलेशन जिस भी प्रकार से हमने डिसाइड किया है हम फिलहाल मान ले रहे हैं ट्रीटमेंट ये कौन सा मैनिपुलेशन है जो प्रयोगकर्ता ने अपने एक्सपेरिमेंटल डिजाइन में प्लान किया है सिस्टमेटिकली अब नेक्स्ट कंडीशन क्या होगी अब नेक्स्ट कंडीशन होगी ये जो टेस्ट हमने किया था सेम वही टेस्ट हम लोग दोबारा रिप्लीकेट करेंगे किस पर सेम सैंपल पर और फिर क्या करेंगे डेटा कलेक्ट तो यहां पर हमने देखा कि हमने एक ही पार्टिसिपेंट पर दो बार डेटा कलेक्ट किया अब हम लोगों को क्या करना है अब हम लोगों को यह देखना है कि प्री एंड पोस्ट जो डेटा है क्या उसके बीच में कोई सिग्निफिकेंट डिफरेंस है या नहीं इस कंडीशन को एग्जामिन करने के लिए हमारे पास जो एनालिसिस की टेक्निक मौजूद है उसे हम कहते हैं टी टेस्ट हम लोगों ने बिटवीन ग्रुप डिजाइन में भी टी टेस्ट का ही उपयोग किया था लेकिन वहां पर जब हमने टी टेस्ट के बारे में डिस्कशन किया था तो उस समय टी इंडिपेंडेंट के बारे में डिस्कशन किया था लेकिन यहाँ पर जो हम लोग टी कैलकुलेट करेंगे वो होगा डिपेंडेंट या पेयर्ड टी टी एनालिसिस करने के हमारे पास दो मेथड्स हैं डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट को हम लोग अनपेयर्ड अनकोरिलेटेड टी भी कहते हैं और डिपेंडेंट को हम लोग पेयर्ड या कोरिलेटेड टी भी कहते हैं इनका उपयोग हम लोग इस माध्यम से करते हैं कि यदि हमारा डेटा एक ही पार्टिसिपेंट पर दो बार कलेक्ट हुआ हो तो हम पेयर्ड टी कैलकुलेट करते हैं यदि दो डिफरेंट कंडीशंस हो, डिफरेंट ग्रुप्स हो, और उनके बीच में यदि हमें डिफरेंस कैलकुलेट करना हो तो हम लोग इंडिपेंडेंटली कैलकुलेट करते हैं हमने पिछले लेक्चर में भी कहा था कि इसकी कैलकुलेशंस और इसके बारे में विस्तृत रूप से हम लोग आगे की क्लासेस में जानकारी प्राप्त करेंगे तो अब हम लोग इसी एग्जाम्पल को आगे एक और बिहेवरल एग्जाम्पल के थ्रू इस एक्सपेरिमेंट को डिज़ाइन करते हैं और समझते हैं प्री पोस्ट डिजाइन किस प्रकार का होता है तो अब हम लोग एक बिहेवियरल एग्जाम्पल के माध्यम से विद इन सब्जेक्ट डिज़ाइन ड्रॉ करते हैं माना हम लोगों ने जो वेरिएबल लिया एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल और जो हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो है ट्रेनिंग हम लोगों ने एक स्पेसिफिक तरह की ट्रेनिंग डेवलप की और अब हम लोग ये जानना चाहते हैं कि उस ट्रेनिंग का हमारे एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस पर क्या प्रभाव पड़ता है तो सबसे पहले अब हमारे पास क्या होगा हम पूरी पॉपुलेशन से एक सैम्पल ड्रॉ करेंगे सैंपल अर्थात प्रतिदर्श ड्रॉ करेंगे उसके बाद यहाँ पर प्री की कंडीशन में डेटा कलेक्ट करेंगे और डेटा हमारा किस पर कलेक्ट होगा परफॉर्मेंस के किसी मेज़र पर हम लोग पहले कोई एक मेज़र डिसाइड करेंगे कि इस मेज़र के माध्यम से हम लोग परफॉर्मेंस को मेज़र करेंगे अपनी रिसर्च में तो यहां पर हमारे पास प्री का डेटा हुआ किस चीज का परफॉर्मेंस का उसके बाद हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल था ट्रेनिंग हम ट्रेनिंग का प्रभाव परफॉर्मेंस पर देखना चाह रहे थे तो अब यहां पर क्या कंडीशन होगी ट्रेनिंग हम मानते हैं कि हमने दस दिन के लिए उसे वो ट्रेनिंग दी एक दस दिन का स्पेसिफिक ट्रेनिंग प्रोग्राम डेवलप किया अब नेक्स्ट कंडीशन क्या होगी वापस हम लोग परफॉर्मेंस मेज़र करेंगे किस कंडीशन के लिए पोस्ट के लिए तो यहाँ पर अब हमारे पास क्या क्या है प्री का डेटा है हमारा ट्रेनिंग प्रोग्राम है हमारा पोस्ट का डेटा है तो अब हमें क्या करना होगा प्री और पोस्ट के डेटा के डिफरेंस को कैलकुलेट करते हुए यह इंश्योर करना है कि यह डिफरेंस सिग्निफिकेंट है या नहीं तो इस प्रकार इस डिजाइन के माध्यम से मैं यह इंश्योर कर सकता हूँ कि हमारी ट्रेनिंग का परफॉर्मेंस पर किस प्रकार का प्रभाव पड़ता है लेकिन अब हमें यहाँ इस एक्सपेरिमेंट में कुछ और एलिमेंट्स को ध्यान देने की ज़रूरत है जिसमें एक पहला है प्रैक्टिस जब हमने एक पार्टिसिपेंट को पहले परफॉर्मेंस का वो स्केल दिया या उस किसी भी एक मेज़र से परफॉर्मेंस मेज़र की उसके बाद हमने ट्रेनिंग इनकॉर्पोरेट की उसके बाद हमने पोस्ट का डेटा कलेक्ट किया तो इस कंडीशन में उसे पहले वाली कंडीशन की वजह से कुछ प्रैक्टिस हो गई होगी कुछ जानकारी मिली होगी तो यदि मैं सामान्य रूप से भी किसी एक कार्य को पहले एक बार करूं, उसके बाद दूसरी बार करूं, तो उसमें इंक्रीमेंट होता है बढ़ोतरी होती है परफॉर्मेंस में मैं पहली बार अगर कहीं पर टीचिंग करूं, उसके बाद सेकंड टाइम टीचिंग करूं, तो उस बीच में मुझे कोई ट्रेनिंग मिले या ट्रेनिंग ना मिले तब भी बहुत पॉसिबिलिटी है कि नेक्स्ट टाइम की जो मेरी टीचिंग होगी वो इम्प्रूव होगी लेकिन अगर बीच में मुझे कोई स्पेसिफिक ट्रेनिंग दी जाएगी तो और ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि मेरी जो टीचिंग स्किल्स हैं और ज़्यादा इम्प्रूव हों लेकिन ये प्रैक्टिस का इफ़ेक्ट वहाँ रहेगा तो प्री पोस्ट या विद इन ग्रुप जो डिज़ाइन है उसमें प्रैक्टिस का इफ़ेक्ट हमेशा इनकॉर्पोरेटेड रहता है वो उसी में इंटीग्रेट रहता है तो हमें आगे बहुत सारे मेथड्स के थ्रू ये इंश्योर करना पड़ता है कि प्रैक्टिस का इफ़ेक्ट कम से कम हो हमारे डेटा में ताकि हम लोग सिर्फ ट्रेनिंग या इंडिपेंडेंट वेरिएबल के प्रभाव को ही डिपेंडेंट वेरिएबल पर मेज़र कर सकें इसके अलावा जो एक और इफ़ेक्ट आता है उसे हम कहते हैं एक्सपेक्टेशन प्रत्याशा हम लोग ह्यूमन बीइंग्स किसी न किसी तरह की एक्सपेक्टेशन रखते हैं जैसे ही हमसे कहा जाए कि आज हम लोगों को कोई डेटा कलेक्ट करना है या आप किसी से कहें कि चलिए हमने एक ट्रेनिंग का प्रोग्राम डेवलप किया है हम देखना चाहते हैं कि इसका परफॉर्मेंस पर क्या प्रभाव पड़ता है तो जैसे ही मैं सैम्पल से बात कहूँगा तो सैंपल के अंदर पार्टिसिपेंट के अंदर एक एक्सपेक्टेशन डेवलप होती है क्या कि ये जो ट्रेनिंग है ये किस तरह की होगी इसका क्या प्रभाव होगा और उस एक्सपेक्टेशन के कारण जब मैं सेकेंड टाइम परफॉर्म करता हूँ तो मेरी परफॉर्मेंस काफ़ी हद तक बढ़ जाती है क्योंकि एक एक्सपेक्टेड वैल्यू है मेरे पास तो वो एक्सपेक्टेशन कई बार तो मुझे पॉजिटिव इन्फ्लुएंस देती है परफॉर्मेंस में और कुछ कंडीशंस में उसका नेगेटिव इफेक्ट भी होता है तो इस कंडीशन में जैसे ही हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बारे में हमारे पार्टिसिपेंट्स को इंफॉर्मेशन मिलती है चाहे वो इंस्ट्रक्शंस के थ्रू हो या जब हम प्री का डेटा कलेक्ट करें तब तो वो एक्सपेक्टेशंस मेरे रिसर्च के डेटा को कुछ हद तक डिस्टॉर्ट या डिविएट कर देती है तो इस प्रकार इस एग्ज़ाम्पल के माध्यम से हम लोगों ने प्री पोस्ट किस तरीके से डिज़ाइन किया जाता है इसको समझा यदि हमारे पास प्री पोस्ट का डेटा है तो हम उस डेटा को किस तरीके से एनालाइज करते हैं किस टेक्निक से एनालाइज करते हैं उसके बारे में शॉर्ट में हमने डिस्कशन किया अब हम लोग इस डिस्कशन को आगे बढ़ाते हुए विद इन सब्जेक्ट डिज़ाइन का एक और एग्जांपल लेते हुए एक नया डिज़ाइन ड्रॉ करते हैं और समझते हैं कि हम लोग और किस किस तरह की से विध इन सब्जेक्ट डिज़ाइन अपने रिसर्च के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं तो हम लोग जो नेक्स्ट डिज़ाइन डेवलप कर रहे हैं वो होगा रिपीट मेज़र डिज़ाइन हम लोगों ने शुरू में ही देखा था कि रिपीटड मेज़र डिज़ाइन किसका नाम है विद इन सब्जेक्ट डिज़ाइन उसे हम रिपीटड मेजर डिज़ाइन भी कहते हैं तो ये एक बहुत ही सिंपल डिज़ाइन होगा किस किस सेंस में विद इन सब्जेक्ट डिज़ाइन में अब हम यहाँ पर करेंगे क्या कि एक पार्टिसिपेंट मेरा डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस में रिपीट होगा कंडीशन वन कंडीशन टू कंडीशन थ्री अगर ज़्यादा कंडीशंस हैं तो उनमें इसीलिए इसे हम लोग रिपीटेड मेजर डिज़ाइन का नाम देते हैं अब इसे हम लोग ड्रॉ करते हैं तो सबसे पहले हम लोगों को क्या चाहिए इंडिपेंडेंट वेरिएबल हम लोगों ने जैसा अभी इंडिपेंडेंट वेरिएबल लिया था हम लोग इस डिजाइन में भी उसे रिपीट कर दे रहे हैं। ट्रेनिंग अब इस बार हम लोग ट्रेनिंग के तीन टाइप ले रहे हैं हम समझते हैं कि हमने तीन डिफरेंट डिफरेंट तरह के ट्रेनिंग मॉड्यूल डेवलप किए हैं और देखना चाहते हैं कि इन ट्रेनिंग मॉड्यूल्स में क्या डिफरेंस है और ये किस प्रकार हमारे परफॉर्मेंस को हमारे एम्प्लॉइज़ की परफॉर्मेंस को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं तो इस कंडीशंस में हमने क्या लिया ट्रेनिंग मॉड्यूल वन फॉर एग्ज़ाम्पल ट्रेनिंग मॉड्यूल टू ट्रेनिंग मॉड्यूल थ्री ये हमने हाइपोथेटिकली अभी अज्यूम किया इसके बाद अब हमारे पास क्या होगा सैंपल अब हम सैंपल ड्रॉ करते हैं माना सैंपल में पी वन पी टू पी थ्री पी फोर और कहां तक एन तक अब हम क्या कर सकते हैं हम लोग इसे थोड़ा सा साइड में लिखते हैं ताकि नेक्स्ट एग्जांपल के लिए यहां पे स्पेस रहे हमारे पास ट्रेनिंग मॉड्यूल टू ट्रेनिंग मॉड्यूल थ्री अब क्या होगा ये पार्टिसिपेंट सेम इस पॉइंट पे डेटा कलेक्ट करेगा ये पार्टिसिपेंट यहाँ पर भी हमें डेटा देगा और यहाँ पे भी हम उस पर डेटा कलेक्ट करेंगे और ये प्रोसेस टोटल एन तक कंटिन्यू होता रहेगा और लास्ट में हम लोग क्या एक इन्फ्रेंस ड्रॉ कर पाएंगे जब हमारे पास मीन होगा ट्रेनिंग मॉड्यूल वन का मीन होगा ट्रेनिंग मॉड्यूल टू का और मीन अवेलेबल होगा ट्रेनिंग मॉड्यूल थ्री का तो हम लोग ये देख सकेंगे कि क्या इन ट्रेनिंग मॉड्यूल्स के बीच में कोई डिफरेंस है या नहीं और यदि ये डिफरेंस है तो क्या ये डिफरेंस सिग्निफिकेंट है या नहीं इसके लिए भी हमारे पास डिफरेंट डिफ़रेंट डेटा एनालिसिस के टेक्निक्स अवेलेबल हैं अब हम लोग इसी डिज़ाइन को एक और नए तरीके से डिज़ाइन करते हैं वेरिएबल हम लोग यही रखेंगे लेकिन अब हम लोग अपने डिज़ाइन में और किस किस तरीके से इस अंडरस्टैंडिंग के थ्रू मैनिपुलेशंस कर सकते हैं नए नए डिज़ाइन डेवलप कर सकते हैं ये स्कोप हमेशा हमारे पास रहता है तो माना इस बार हम लोग क्या कर रहे हैं कि जो हमारी परफॉर्मेंस है उसे बिफोर ट्रेनिंग मॉड्यूल के यहां पर एग्जामिन कर दें पार्टिसिपेंट वन पार्टिसिपेंट टू पार्टिसिपेंट थ्री और अभी हम लोग सिर्फ एक ही ट्रेनिंग मॉड्यूल को डिस्कस कर रहे हैं सेकंड कंडीशन हम क्या करें हम परफॉर्मेंस ट्रेनिंग मॉड्यूल के मिडिल में अगर ये थर्टी डेज का ट्रेनिंग मॉड्यूल है तो फिफ्टीन डेज में हम लोग एक बार फिर ट्रेनिंग मॉड्यूल के मिडल में एग्जामिन करें और उसके बाद लास्ट में परफॉर्मेंस मेजर करें कब जब हमारा ट्रेनिंग मॉड्यूल कंप्लीट हो जाए After, तो अब हमारे पास विद इन ग्रुप का एक और तरह का डिजाइन अवेलेबल है अब इस कंडीशंस में हम लोग क्या मेजर कर सकते हैं कि जो हमारा ट्रेनिंग मॉड्यूल है उससे पहले की कंडीशन हमारे पास है उससे पहले का परफॉर्मेंस हमारे पास है वो जो ट्रेनिंग मॉड्यूल है वो बीच में आधे तक में उससे परफॉर्मेंस में क्या इम्प्रूवमेंट हुआ वो भी हमारे पास है उसके बाद जब ये ट्रेनिंग मॉड्यूल कंप्लीट हो गया उसके बाद परफॉर्मेंस का क्या स्टेटस था वो इन्फॉर्मेशन भी अब हमारे पास है तो इस कंडीशन में हम लोगों ने उस एक पर्टिकुलर ट्रेनिंग मॉड्यूल के जो आधे में जो उसने बेनिफिट्स दिए उसके बारे में जानकारी मिली जो आधे के बाद उसने बेनिफिट्स दिए वो जानकारी मिली तो यदि हमें ऐसा लगता है कि ट्रेनिंग मोड्यूल बहुत लंबा था है ना उसके 50 परसेंट तक जब वो ट्रेनिंग चली तो एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस में इंक्रीमेंट हुआ लेकिन आधे के बाद जब वो ट्रेनिंग कंटिन्यू होने लगी तो शायद ऐसा हुआ कि ट्रेनिंग वर्क इस सबका वर्कलोड बढ़ गया तो वर्कलोड बढ़ने के कारण या वो ट्रेनिंग बहुत लेंदी होने के कारण या वो ट्रेनिंग एक जैसी बार 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 करने के कारण अब परफॉर्मेंस में उतना इंक्रीमेंट नहीं है तो हम लोग यहाँ पर इससे क्या इन्फ्लेंस ड्रॉ कर सकते हैं कि यदि हम अपने ट्रेनिंग मॉड्यूल को थोड़ा शॉर्ट में कर दें हा? कि ट्रेनिंग मॉड्यूल लंबा होता चला जा रहा है तो बीच में या हम इसे मिडिल ना करके 25% परसेंट फिर 25% परसेंट फिर 25% परसेंट चार हिस्सों में बांटें तो भी हमें ये पता चल सकता है कि ट्रेनिंग प्रोग्राम के टास्क के साथ साथ ट्रेनिंग मोड्यूल के ड्यूरेशन का क्या प्रभाव हमारी परफॉर्मेंस पर पड़ रहा है तो जब हमारे पास किसी भी डिज़ाइन को करने की इंफॉर्मेशन होती है हमें पता है कि डिज़ाइन कैसे बन सकता है तो उस नॉलेज को हम यूटिलाइज़ करके उस डिज़ाइन में और बहुत सारी क्रिएटिविटी इनोवेशन के माध्यम से अपने डिज़ाइन को और ज़्यादा रिच बना सकते हैं अपने उसी डिज़ाइन को हम लोग और ज़्यादा इंफॉर्मेटिव बना सकते हैं हम बना सकते हैं कि उसी डिज़ाइन से हम लोग एक के साथ साथ कई रिसर्च प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन ढूंढ सकें तो जैसे जैसे हम रिसर्च डिज़ाइन बनाते हैं जैसे जैसे डेटा कलेक्ट करते हैं और उस डेटा को एनालाइज़ करते हैं तो ये सारी इन्फॉर्मेशन हमारी नॉलेज क्यूमुलेट होती है और इस क्यूमलेशन के साथ साथ हम अपने डिज़ाइन में और अच्छे डिज़ाइन डेवलप करने लगते हैं तो अभी हम लोगों ने रिपीटेड मेज़र डिज़ाइन के बारे में डिस्कशन कंप्लीट किया अब हम लोग इस डिस्कशन को आगे बढ़ाते हुए एक और नया डिज़ाइन डेवलप करते हैं तो जो हम नेक्स्ट डिज़ाइन बनाएंगे वो होगा रिपीटेड मेजर फैक्टोरियल डिज़ाइन जैसा कि हम लोगों ने बिटवीन ग्रुप में फैक्टोरियल डिज़ाइन डेवलप किया था तो ऐसा ही यहाँ पर भी हम लोग करेंगे इसका अर्थ है कि चाहे बिटवीन ग्रुप डिज़ाइन हो या विद इन ग्रुप डिज़ाइन हो हम एक साथ एक से ज़्यादा वेरिएबल्स पर डेटा कलेक्ट कर सकते हैं एक समय पर एक से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल और उनके लेवल्स का प्रभाव चेक कर सकते हैं तो अब हम लोग यहाँ पर पहले एक वेरिएबल और दूसरे वेरिएबल को ड्रॉ करते हैं माना हमारे पास एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसे अभी हम लोग ए कह रहे हैं एक दूसरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है जिसे अभी हम लोग b कह रहे हैं तो हमारे पास A की मानते हैं हम लोग अभी हम लोग हाइपोथेटिकली ये मान रहे हैं कि A के हमारे पास दो लेवल है और B के भी हमारे पास दो लेवल हैं इस कंडीशन में हमारा किस तरह का डिजाइन ड्रॉ होगा हमने बिटवीन ग्रुप में सीखा अब हम लोग इस कंडीशन में हमारा विद इन का डिजाइन किस तरह का होगा उस डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं तो अगर ऐसी कंडीशन होगी तो हमारी पहली कंडीशन क्या होगी ए वन बी वन पहला कॉम्बिनेशन दूसरा कॉम्बिनेशन क्या बनेगा ए वन बी टू थर्ड कॉम्बिनेशन क्या बनेगा ए टू B1, फिर A2, B2। हमने बिटवीन ग्रुप में इन चारों कंडीशन के लिए चार अलग अलग पार्टिसिपेंट्स के ग्रुप लिए थे लेकिन वो करेक्टरिस्टिक बिटवीन ग्रुप डिजाइन की थी बिटवीन सब्जेक्ट डिजाइन की थी यहां पर हमारा जो डिजाइन है वह है विद इन तो यहाँ पर जो हम लोगों को सैम्पल से पार्टिसिपेंट्स चूज करने हैं वो किस तरह के होंगे पार्टिसिपेंट वन सभी कंडीशंस में पार्टिसिपेंट टू सभी कंडीशंस में और एन तक सभी कंडीशंस में जितने हमारे पास पार्टिसिपेंट हैं वो एन तक सभी कंडीशंस में हमारे एक्सपेरिमेंट को कंप्लीट करेंगे या हमारी कंडीशंस को फॉलो करेंगे अब यह हमारे पास जो डिजाइन हुआ इसे हम कहेंगे रिपीटेड मेजर फैक्टोरियल डिजाइन देखिए रिपीटेड हुआ मेज़र फैक्टोरियल है इंडिपेंडेंट वेरिएबल वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल टू है तो हम लोगों ने दोनों इंडिपेंडेंट वेरिएबल को लेते हुए रिपीटेड मेज़र के जो फंक्शंस हैं उन्हें यूटिलाइज़ करते हुए रिपीटेड मेज़र फैक्टोरियल डिज़ाइन कंप्लीट किया अब हम लोग इसे एक बिहेवियरल एग्जांपल के थ्रू डेवलप करते हैं ताकि इसके बारे में हमें कुछ और डिटेल में अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो सके तो अब हम लोग इसे डिजाइन कर रहे हैं हम ये मानते हैं कि हमारा जो पहला वेरिएबल है उसे हम लोग अभी के लिए ट्रीटमेंट मान लेते हैं और उसकी हम लोग दो कंडीशंस अज्यूम कर लेते हैं सेकंड हम ट्रीटमेंट की जो डिफरेंट डिफरेंट टास्क हैं उनके साथ साथ ड्यूरेशन को भी सेकेंड वेरिएबल कंसीडर कर रहे हैं तो यहां पर ड्यूरेशन का लेवल वन ड्यूरेशन का लेवल टू हमने मान लिया कि जो पहली ड्यूरेशन है ये टेन डेज है और ये जो दूसरी ड्यूरेशन है ये ट्वेंटी डेज अब चूंकि दो वेरिएबल हैं तो ये फैक्टोरियल डिज़ाइन होगा अब हम इसे विद इन सब्जेक्ट डिज़ाइन के माध्यम से ड्रॉ करते हैं तो यहाँ पर जो हमारे पास कंडीशंस होंगी वो कौन कौन सी होंगी टी मतलब ट्रीटमेंट वन ट्रीटमेंट का पहला टाइप और डी ड्यूरेशन शॉर्ट ड्यूरेशन का टाइप फिर टी वन ड्यूरेशन टू मतलब वही ट्रीटमेंट का डिज़ाइन लेकिन इस बार उसकी ड्यूरेशन कितनी है ट्वेंटी डेज फिर ट्रीटमेंट टू डी वन इस बार दूसरा ट्रीटमेंट है ड्यूरेशन फर्स्ट है अब हमारे पास बचा ट्रीटमेंट टू और ड्यूरेशन टू तो इस प्रकार हम लोगों ने इस डिज़ाइन को ड्रॉ किया अब हम लोग यहाँ पर एक साथ ट्रीटमेंट और ड्यूरेशन का प्रभाव परफॉर्मेंस पर देख सकते हैं यहां पर होंगे हमारे पार्टिसिपेंट एन तक पी टू पी टू पी टू पी टू तो यहां पर हम लोगों ने एक फैक्टोरियल डिजाइन डेवलप किया लेकिन इस फैक्टोरियल डिज़ाइन के साथ हमारे पास एक छोटी सी लिमिटेशन है उसे हम कहते हैं कि जब हम लोगों ने पहली कंडीशन रखी फिर दूसरी रखी फिर तीसरी फिर चौथी ये कंडीशन हमने एक ऑर्डर में रखी है तो जब हम इन कंडीशंस को किसी ऑर्डर में प्रेजेंट करते हैं तो उससे एक इफ़ेक्ट जनरेट होता है जिसे हम कहते हैं ऑर्डर इफेक्ट वो ऑर्डर इफ़ेक्ट भी हमारी इन कंडीशंस के साथ साथ हमारे परफॉर्मेंस को इन्फ्लुएंस करता है तो इस ऑर्डर के इफ़ेक्ट को और कैरी ओवर के इफ़ेक्ट को मिनिमाइज़ करने के लिए हम लोग इस तरह के डिज़ाइन में काउंटर बैलेंसिंग एक मेथड यूज़ करते हैं जिसके बारे में हम लोगों ने पिछली क्लास में भी डिस्कशन किया था तो उसमें क्या करेंगे हम लोग इस बार कि जो ऑर्डर है प्रेजेंटेशन का इसे चेंज कर देंगे तो ये प्रेजेंटेशन का ऑर्डर क्या क्या है फॉर एग्ज़ाम्पल टी वन डी वन टी वन डी टू टी टू डी वन टी टू डी टू हमने इसे वन टू थ्री फोर ऑर्डर एक मान लिया अब हम लोग इसे काउंटर बैलेंस कैसे करेंगे जैसे पहले अगर इसका ऑर्डर था वन टू थ्री फोर तो अब हम क्या कर सकते हैं नेक्स्ट टाइम पर सेकंड वाला पहले फिर थ्री फिर फोर फिर वन फिर नेक्स्ट टाइम थ्री फोर वन टू फिर फोर वन टू थ्री तो इस प्रकार हम लोग काउंटर बैलेंस करते हैं ऑर्डर के इफेक्ट को इससे इस इफेक्ट को बैलेंस करने की और विधियां हैं जैसे कंप्लीट काउंटर बैलेंसिंग पार्शियल काउंटर बैलेंसिंग और रैंडमली प्रेजेंट करना ये हम लोगों ने लास्ट की क्लास में डिस्कस किया था जब हम लोगों ने एक्सट्रेनियस वेरिएंस को कंट्रोल करने की विधियों के बारे में डिस्कशन किया तो यहाँ पर अगर हम चाहें तो उनमें से किसी और एक विधि का उपयोग कर सकते हैं जैसे हम रैंडमली ये प्रजेंट करें हम इसका ऑर्डर पहले से कोई भी इस्टेब्लिश ना करें रैंडमली इस ऑर्डर को इनिशिएट करें तब भी हम लोग ऑर्डर इफेक्ट को मिनिमाइज कर सकते हैं तो अब हम नेक्स्ट क्या समझते हैं कि हमारे पास विद इन सब्जेक्ट डिज़ाइन के क्या क्या एडवांटेजेस हैं पहला स्मॉल एन हम देखते हैं कि हम लोगों का एक ही पार्टिसिपेंट डिफरेंट डिफरेंट ट्रीटमेंट कंडीशंस में जा रहा है डिफरेंट डिफरेंट ट्रीटमेंट कंडीशंस को वो वहाँ पर डेटा कलेक्ट कर रहा है डिफरेंट डिफरेंट ट्रीटमेंट कंडीशंस एक्सपोज हो रही हैं तो उस कंडीशन में हम लोग यदि स्मॉल एन पर भी काम करें तो जो हमारा रिजल्ट होगा वो रिलायबल वैलिड और एक्सेप्टेड होगा उसके बाद इंडिविजुअल डिफरेंसेस। इस डिज़ाइन में हम लोग इंडिविजुअल डिफरेंसेस की वजह से आने वाली जो कमियां हैं जो हमारे पास वेरिएशन है हमारे डिपेंडेंट वेरिएबल में उसे हम मिनिमम कर सकते हैं उसके बाद लिमिटेड रिसोर्सेज चूँकि इस तरह की जो स्टडीज होती हैं वो बेसिकली किसी लैब में डिसाइड की जाती हैं स्मॉल एन पर हमारा डेटा कलेक्ट होता है तो हम लिमिटेड रिसोर्स में भी अपनी इस स्टडी को प्लान कर सकते हैं और अपनी इस स्टडी को एग्जीक्यूट कर सकते हैं मिनिमम नॉइस नॉइस का मतलब है जो वेरिएंस हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल के अलावा हमारे डिपेंडेंट वेरिएबल में हो तो यहाँ पर इंडिविजुअल डिफरेंसेस जैसे कंफाउंडिंग जैसे जो नॉइस हमारे डिपेंडेंट वेरिएबल में वेरिएशन उत्पन्न करते हैं उनकी पॉसिबिलिटीज कम हो जाती है इसके बाद कंट्रोल ओवर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ट्रीटमेंट कंडीशन यहाँ पर हमारे पास कंट्रोल होता है एक्सपेरिमेंटर के पास ही कि वो किस तरह की ट्रीटमेंट कंडीशंस में डिस्ट्रीब्यूट करें क्योंकि वो स्वयं ये निर्धारित करता है कि ट्रीटमेंट वन है ये ट्रीटमेंट टू है यहाँ पर हमारे पास कोई भी कैटेगरीज इनबिल्ट नहीं होती है डिस्टिंग नहीं होती है तो हम उसे खुद निर्धारित कर पाते हैं ग्रोथ मॉडल जैसे जो प्लान्स uh, हैं जो स्टडीज़ हैं उनके लिए विद इन सब्जेक्ट डिज़ाइन एक अप्रोप्रिएट मेथड है इन एडवांटेजेस के साथ साथ हमारे पास कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं विद इन सब्जेक्ट डिज़ाइन के अब हम लोग उनके बारे में डिस्कशन कंटिन्यू करते हैं तो इसमें जो सबसे पहली लिमिटेशन हमने लिखी है वो है ऑर्डर इफेक्ट जैसा कि अभी हमने लास्ट एग्जांपल में समझा कि किस प्रकार से जो हमारे ट्रीटमेंट कंडीशंस का जो लेवल्स का ऑर्डर है उनके एक्सपोज़र का जो ऑर्डर है वो हमारे डिपेंडेंट वेरिएबल के पड़ने वाले प्रभाव को निर्धारित कर सकता है तो हमें ऑर्डर का इफ़ेक्ट और कैरी ओवर इफ़ेक्ट जो हमने डिस्कस किया कैरी ओवर इफ़ेक्ट किसे कहते हैं ये दोनों इफ़ेक्ट्स को के इन्फ्लुएंस को हमें अपने एक्सपेरिमेंट में कंट्रोल करना होता है तो हम मैचिंग के थ्रू हम रेंडमाइजेशन के थ्रू हम बैलेंसिंग के थ्रू काउंटर बैलेंसिंग के थ्रू कोशिश करते हैं कि ऑर्डर इफ़ेक्ट और कैरी ओवर इफ़ेक्ट मिनिमम इन्फ्लुएंस हमारे डिपेंडेंट वेरिएबल पर करे इसके बाद जो एक और मेजर प्रॉब्लम है वो है लेंथ ऑफ द टास्क इस तरह के डिज़ाइन में जब टास्क ज़्यादा होते हैं एक ट्रीटमेंट कंडीशन दो थ्री फोर फाइव तो उस समय पार्टिसिपेंट के लिए वो बहुत लेंथी एक प्रोसीज़र हो जाता है तो ये लेंथ हमारे पार्टिसिपेंट के रिटेंशन में कि वो बार बार डेटा कलेक्ट करने आए या इस पर कि वो जो उसकी परफॉर्मेंस है उस पर फटीक का इफ़ेक्ट इन्फ्लुएंस डालता है लंबे समय तक उसे एक ही जैसी कंडीशंस में रहना होता है उसे एक ही तरह के एक्सपोजर्स को फेस करना पड़ता है तो ये भी हमारे इस एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन की कुछ लिमिटेशंस हैं इसके बाद ट्रांसफ़र ऑफ नॉलेज या प्रैक्टिस जैसा हमने शुरू में भी डिस्कस किया कि जब हम किसी को ट्रीटमेंट कंडीशन वन में रखते हैं तो उससे वहाँ पर उसे कुछ प्रैक्टिस मिलती है कुछ लर्निंग मिलती है और वो जो लर्निंग है वो जो नॉलेज है वो ट्रीटमेंट टू की कंडीशन में उसे फॉलो करेगी वो नॉलेज उसके काम आएगी तो इस कंडीशन में ट्रांसफ़र ऑफ नॉलेज का और प्रैक्टिस का प्रभाव भी हमारे डिपेंडेंट वेरिएबल पर पड़ता है इसके अलावा जो सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट है कि जो डिफरेंट डिफरेंट ट्रीटमेंट कंडीशंस हैं ये किस पॉइंट पे जाके डिफरेंट हो रही हैं ट्रीटमेंट वन ट्रीटमेंट टू ट्रीटमेंट थ्री या जैसा अभी हमने ड्यूरेशन लिया ड्यूरेशन फ़ॉर टेन डेज एंड ड्यूरेशन फ़ॉर ट्वेंटी डेज़ अब हम ये कैसे डिसाइड करें कि जो लेवल्स हैं ये टेन के बाद ट्वेंटी हमें लेना है तो ये जो डिपार्चर पॉइंट है ये जो पॉइंट है जो डिफ्रेंशिएट कर रहा है लेवल्स को मेरे इंडिपेंडेंट वेरिएबल के इसको आइडेंटिफाई करना एक डिफ़िकल्ट काम है ताकि ऐसा भी ना रहे कि वो जो दोनों ट्रीटमेंट कंडीशंस हैं या ड्यूरेशन हैं एक जैसे हों या वो बाय डिफ़ॉल्ट इतने ज़्यादा डिफरेंट हैं कि उनके बीच में जो डिफरेंस है उसी की वजह से हमारा रिज़ल्ट हमें सिग्निफिकेंट मिल जाए एक चीज़ हम एक बार करें दूसरी चीज़ हम बीस बार करें तो डेफ़िनेटली जब हम ट्वेंटी टाइम किसी काम को करेंगे तो परफॉर्मेंस हमारी इनक्रीज़ होगी तो ये डिसाइड करना के ट्रीटमेंट कंडीशंस के बीच में किस तरह का डिफरेंसेस हमें रखने हैं ये हमारे लिए एक हैवी वर्क होता है अब हम लोगों ने इस लेक्चर में विद इन सब्जेक्ट डिज़ाइन के मीनिंग उसके फंक्शंस हम किस प्रकार से विद इन सब्जेक्ट डिज़ाइन ड्रॉ कर सकते हैं ये समझा विद इन डिज़ाइन ड्रॉ करने के डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स के बारे में जाना उसकी लिमिटेशंस के बारे में जाना तो अब हम ये समझ सकते हैं कि यदि हमें कभी अपॉर्चुनिटी मिले तो हम अपने एक्सपेरिमेंट में बिटवीन ग्रुप और विद इन ग्रुप दोनों ग्रुप्स के फंक्शंस और करेक्टरिस्टिक्स को यूज़ करते हुए अपना एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन डेवलप कर सकते हैं आज की इस लेक्चर के लिए हम यहीं पर इस लेक्चर को समाप्त करते हैं हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद आप सभी का दिन शुभ हो थैंक यू